बैक टू गाइस, मैं हूं जिगर पटेल और आप देख रहे हैं मिस्टर बाइक का यूट्यूब चैनल। तो आज है 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी हम हर बार अरेंज करते हैं एक रिपब्लिक राइड, तो आज हमने एटमॉस्फेयर के वजह से शॉर्ट राइड अरेंज करी है और साथ में बहुत सारी बाइक आई है और सारे राइडर्स वहाँ पर चाय पीने बैठे हैं। तो अभी हम निकलने वाले हैं वो डेस्टिनेशन की ओर। हमने यहाँ के डिसाइड किया कि कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है। अभी दो राइडर्स बाकी है, वो आ रहे हैं, उसके आने के बाद हम तुरंत राइड स्टार्ट करेंगे। अब मैं सीधा मोटो व्लॉगिंग में मिलूँगा, चलो। तो गाइस, हम रुके थे वांसदा में खेटला पार्टी सेंटर और अभी हम सब रेडी हो रहे हैं, सभी राइडर भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको सीधा रोड पर मिलूँगा ऑन द वे और हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मज़ा आने वाला, डेस्टिनेशन ज़बरदस्त है। तो चलो अभी सीधा डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं आगे। और कुणाल और तन्मय देखो बिंदास एंजॉय कर रहे हैं कैमरा के सामने। तो गाइज़ हम लोग पास हो रहे हैं वगई से, वगई सर्कल से होते हैं राइट साइड पे और ये रास्ता बहुत छोटा है, सिंगल लेन। वहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता पूरा, एंजॉय कीजिए। ये वाला रास्ता पूरा हरियाली से भरा हुआ है, ग्रीनरी से, और रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं और रास्ता स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे राइडर्स भी साथ में ही सब आगे पीछे ही। तो चलो रास्तों को एंजॉय कीजिए और बताइए मुझे कैसा लगा ये वाले रास्ते सब। तो गाइस पहला मोड़ आता है, वहाँ से हमें जाना होता है राइट साइड और हमारे सारे राइडर्स को मैं आगे भेज रहा हूँ। अभी सब लोग आगे चले जा रहे हैं और मैं और केडी पीछे और एडी भी पीछे है। तो चलो अभी निकलते हैं उसी रास्ते पे और मिलते हैं, रास्ते में क्या क्या आता है वो दिखाता रहता हूँ मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे जो रास्ते है वो एक तो हाई हिल है, चढ़ान भी है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखे है क्योंकि बीच बीच में छोटी छोटी जो कब्जी आती है वो पड़ी रहती है, मिट्टी वगैरह, तो उसी की वजह से बाइक बहुत ही फिसलती है। तो आप भी आए तो संभाल के आइए यहाँ पर, और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है नज़ारे। Later. She called me, oh, like the rainbow,
गाइस हम लोग यहाँ पे कड़म डूंगर पे आ चुके हैं और थोड़ा सा हमने चढ़ान कर लिया, नीचे एक ड्रोन शॉट ले लिया क्योंकि बहुत सारी बाइक आई थी तो सबको कवर करा पहले, और उसके बाद ऊपर का थोड़ा ड्रोन व्यू कवर अप कर लिया। अभी चढ़ने में हालत लग चुकी है, सांस फूलने लग गए, और साथ में ये सारे भाई लोग भी हैं। हाई बोल दो के डी एडी वाजा भाई और बंदे लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अभी हम भी ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर का व्यू फिर से दिखाएंगे। चलो वहीं पे मिलते हैं। तो गाइस ये एक टावर है यहाँ पर, और एक ये मंदिर जैसा कुछ बना है, और ऊपर से व्यू देखो बहुत ही बेहतरीन व्यू मिल रहा है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं गाइस, अभी थोड़ा ऊपर और चढ़ना है, और साथ में सारे बंदे हमारे, सबकी हालत देख लो, गर्मी और ठंडी दोनों साथ में लगी है। दो एटमॉस्फेयर एक साथ, चढ़ते टाइम गर्मी लग रही और जैसे ही रुक जाते हैं तो विंड के वजह से ठंडी भी लगती है। गाइस ये टॉप व्यू है कड़म डूंगर का, जो मैं सेकंड बार दिखा रहा हूँ आपको, और वो छोटी सी जगह देख रहा हूँ, वहाँ से चढ़ान करके आता आने पड़ता है यहाँ से पूरा ऊपर तक। और ये सारे लोग हमारे साथ आए, सबका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, एक एक अपना नाम बता दीजिए। तुषार, तुषार, विनय, विनय, हिरेन, हिरेन, तन्मय, को तो आप पहचानते हो, चढ़ा थे। और ये भाई रह गए जिगर, जिगर, ये भाई शिवम, ये फोन पे बिजी है गाइस। और ये हमारा कुछ स्टफ है, अभी हम फिर से एक बार ड्रोन शॉट लेने की ट्राई करेंगे यहाँ से ऊपर से, और व्यू देख लो एक बार, सिनेमैटिक मोड से दिखा देता हूँ यहाँ पे। गाइज अभी हम नीचे जा रहे हैं
और सब लोग ने अपना फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लिया है। बाकी आधे मेंबर नीचे चले गए और अभी हम जो बाकी है वो अभी नीचे जाएंगे। एक्चुअली ड्रोन शॉट यहाँ पर लिया गया, लेकिन हुआ क्या, बहुत ज़्यादा विंड आ रही थी तो ड्रोन लैंडिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फिर लैंड करवा दिया उसको। और अभी सिर्फ मोटो ब्लॉग, मतलब नॉर्मल ब्लॉगिंग करूँगा, उसके बाद मोटो ब्लॉगिंग आएगा। तो अभी नीचे मिलते हैं, एक बार बाइक का अगर सूट मिलेगा तो ले लेते हैं। और नीचे जाकर एक ड्रोन शॉट निकालते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो गाइज अभी हमारी निकलने की बारी आ गई है, अभी हम चले गए वापस घर के लिए और हम सिर्फ चार ही लोग बचे हैं पीछे, बाकी सब सारी बाइक आगे चली गई है। और साथ में है विनय की बाइक और एडी वाजा और कुणाल, बस हम चार लोग ही पीछे बचे हैं और कुणाल और एडी वाजा वीडियो शूट करने में पड़े हुए हैं। तो हम लोग अभी निकलेंगे और धीरे धीरे से हम नीचे उतरेंगे स्लो में हमें। उतरते टाइम हमें जो डर था कि रास्ता बहुत ही फिसलन वाला था, मतलब कि रेट वगैरह बड़ी थी तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पीस ऑफ केक की तरह हम उतर पड़े नीचे। और सही से बहुत ही मज़ा आया, सिंगल लेन रोड था, बस वही संभालना था, बाकी सब सीन वगैरह बढ़िया हो रखा था, तो उतरते टाइम मज़ा आ रहा था। और वैसे भी हम लोग चार ही पीछे थे तो आराम आराम से चला के आ रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जद का टेंशन नहीं, राइड का फील लेते हुए हम धीरे धीरे आए। और बाकी सारी बाइक्स आगे चली गई थी, वो लोग को हमने बोल रखा था कि वगई सर्कल पे रुके, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले थे। तो गाइस हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, 3 बज गए, तो अभी घर पे पहुँचना भी ज़रूरी है टाइम पे। तो अभी हम घर के लिए वापस जा रहे हैं और मेरे आगे जा रही है MH की बस, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी हम सीधा जाके रुकेंगे बांसला सर्कल। और सब लोग निकल चुके हैं, सिर्फ मैं ही अकेला पीछे हूँ क्योंकि मैं कर रहा था व्लॉग।
तो आराम से निकल रहे हैं अब मैं और बाकी सब राइडर भी आराम से ही जा रहे हैं, कोई नहीं। बस यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर जाना है और हमारे वांसला सर्कल आ ही जाएगा। ये वगई का सबसे खूबसूरत नज़ारा है रोड का, और यहाँ पे हम अक्सर आया करते हैं तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, रास्ता बहुत ही अच्छा है और वेदर भी एकदम अच्छा हो रखा है। अभी विंटर का मौसम है तो, और जल्दी पहुँचना भी ज़रूरी है ताकि शाम होने पर बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। तो अभी चलते हैं, रास्ते में मज़ा लेते लेते आगे बढ़ते हैं, और मैं अकेला हूँ तो मैं आराम से स्पीड पकड़ सकता हूँ।
गाइस आज की राइड यहाँ पर हम एंड करने वाले हैं। और ये जो सब भाई लोग आए थे, ये चिखली नवसारी सब जगह से, तो सबकी अभी लास्ट मीटिंग है हमारी, तो अभी वो लोग जाने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करने वाला हूँ मैं, तो उससे पहले ये लोग को बाय बाय बोल देते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर से मिलेंगे। चलो बाय बाय।